हेलो दोस्तों, कुक विद मनु में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं कद्दू का पराठा। देखिए कितने सॉफ्ट से ये जो पराठे हैं मैंने बना करके रेडी किए हैं। बिना देर किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे कद्दू का पराठा बनाने के लिए मैंने ये आटा लिया है, लगभग 1.5 कप के बराबर है। वजन में ये लगभग 300 ग्राम के बराबर है। और मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम के बराबर जो है कद्दू लिया है। इसे इस वाले जो पतला वाला ग्रेटर होता है इससे ग्रेट करके मैंने ले लिया है। कद्दू का छिलका उतार लिया था और उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे भी मैंने हटा करके इसे अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। देखिए एकदम पतले पतले जो हैं कद्दू के लच्छे बन गए हैं। तो सबसे पहले हम आटे में ये जो कद्दू हमने लिया हुआ है ग्रेट किया हुआ ये डाल लेते हैं। तो ये पूरा कद्दू जो है मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ, जिसे कि कैरम सीड्स भी कहते हैं, 1/2 छोटा चम्मच। इसे भी हाथों से क्रश करके डाल दिया है। अब यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने यहाँ पे 1.5 छोटे चम्मच के बराबर डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने 1 छोटे चम्मच। 1 छोटा चम्मच के बराबर ही धनिया पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि कद्दू का जो फ्लेवर है वो थोड़ा हल्का मीठा सा होता है, इसीलिए मसाले थोड़े स्ट्रॉन्ग डाले हैं मैंने, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। अब अच्छी तरह सबको हम मिला लेंगे, क्योंकि कद्दू को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, इसलिए ऑलरेडी कद्दू से बहुत सारा जूस भी निकला होगा, जिसके लिए कि पानी बहुत ही कम लगेगा। इसीलिए हाथों से अच्छी तरीके से मसलते हुए हम पहले आटा लगाने की कोशिश करेंगे, और यदि कम पड़ता है तो हम पानी डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है, और अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे नमक मिर्च और मसाले भी डाले हैं, जिससे कि जो कद्दू है वो और भी पानी रिलीज़ करेगा। इसीलिए कम कम करके हमें पानी डालना है, और एक अच्छा टाइट आटा, बिल्कुल सख्त आटा लगा करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आटा है मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है, और अब मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना तेल। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे हाथों में आटा लगा होता है और बर्तन में लगा होता है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है आटा, और जो आटा होता है वो भी अच्छा चिकना हो जाता है। बाकी ऑप्शनल है, आप ऑयल लगाएँ या ना लगाएँ। तो आटा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है, हल्का कड़क आटा ये जो है लगा के रख लिया है मैंने। अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब आटा देखिए और भी सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब पराठे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इंस्टेंट भी इसके पराठे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रेस्ट के लिए भी इसे रखें। और मैंने यहाँ पर चकला लिया है, बेलन लिया है, और सूखा आटा लिया है पराठे बेलने के लिए। तो सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, जिससे कि हाथ में मतलब सूखा आटा लगाएंगे, जिससे कि जो गीला आटा है ना वो हमारा हाथ में चिपके नहीं। एक बॉल जो है मैंने तोड़ लिए है, और अब इसका इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे, एक लोई का शेप बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली मैंने लोई का शेप बना लिया है, और अब इसमें सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। तो आप ये पराठे गोल भी बना सकते हैं, या फिर इसे जो है ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह इसे बिल्कुल रोटी की तरह गोल बेल लेंगे। तो मैं ये जो पहला पराठा है इसे गोल ही बना रही हूँ, एकदम परफेक्ट सा पतला, जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है। इसे तवे पर डाल देंगे। तवे को जो है मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है, और पराठे को 1-2 मिनट इस साइड से सिकने देंगे। जब ऊपर से हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे, और अब दूसरे साइड भी 1-2 मिनट हम इसे सिकने देते हैं। उसके बाद इसमें घी या तेल हम लगाएंगे।
तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिया है, आप कोई सा भी तवा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पराठों का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे अब मैंने ऊपर वाले साइड लगा दिया है इसमें ऑयल, और अब इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड भी ऑयल लगा लेंगे हम। इस तरीके से जब हम पराठे बनाते हैं तो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कम लगती है और पराठे भी बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट सा ये जो है हमारा पराठा है बन रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है, क्योंकि कद्दू लौकी ये ऐसी सब्जियां हैं जो कि बहुत ही हेल्दी होती हैं। अच्छी तरह इसे अलटते पलटते हुए जो है हम इसे सेक लेंगे। देखिए एकदम परफेक्टली ये जो है सिक गया है, क्योंकि कद्दू को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है इसीलिए पराठे को सिकने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी और कद्दू का जो कच्चापन है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये मैंने दूसरा पराठा बना लिया है, इसे भी डाल दिया है। दूसरा पराठा जो है काफ़ी बड़ा बन गया है, पर हम इसे भी सेक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया है एकदम परफेक्ट सा हमारा पराठा, और इसे मैंने इस तरीके से पहले दूसरे पराठे के ऊपर हल्का सा टैप कर लिया है। तो सेम जिस तरीके से मैंने पहला पराठा सेका है, इसी तरीके से सारे पराठे जो है हम सेक कर रेडी कर लेंगे। एकदम टेस्टी से हेल्थी से जो पराठे हैं बनकर रेडी हो गए हैं। आप यदि चाहें तो इसमें जो ऑयल है या घी है उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। पर मैं यहाँ पे घी या तेल जो है बहुत ही कम डालती हूँ, जिससे कि हेल्थ के लिए भी वो अच्छे रहें। तो यहाँ देखिए कुछ पराठे जो है मैंने सर्कल में बना लिए हैं, कुछ जो है ट्रायंगल शेप में बना लिए हैं। इन्हें हम दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, ये सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ इन्हें दही के साथ सर्व कर लिया है। एकदम टेस्टी से सिंपल से ये जो है हमारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। आप इन्हें बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।